बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे आलू और मोंगरे का सालन। और ये मोंगरे जो हैं वो अब मार्केट में आ चुके हैं और ये बहुत ज़्यादा इनकी सब्ज़ी बनाई जा रही है और खाई जा रही है। और ये बनाना बड़ा ही आसान है, बड़ी आसानी से बन जाते हैं और ये बन भी बड़ी जल्दी जाते हैं। तो आइए देखते हैं ये कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले हंडिया के अंदर हमने घी शामिल कर लिया, अब प्याज शामिल करेंगे। प्याज जो है हमारा वो हल्का सा ब्राउन करना था हमने, वो हो गया। अभी इसमें हम सब्ज़ लहसुन जो है वो शामिल कर लेंगे। अभी हम अदरक शामिल करेंगे, अदरक का पेस्ट है। टमाटर और सब्ज मिर्च शामिल करेंगे। लाल मिर्च शामिल करेंगे, हल्दी पाउडर, नमक, अभी हमने मोंगरे शामिल कर दिए। मोंगरे जो है इनको अच्छे तरीके से भूनेंगे मसाले के अंदर। मोंगरे हैं जो, उनको अच्छे तरीके से भून लिया। अब हम आलू शामिल कर देंगे। अभी हम आलू शामिल कर देंगे। दोनों चीज़ों को, आलू और मोंगरे जो हैं वो दोनों अच्छे तरीके से भून लिए हमने। अभी इनमें बिल्कुल थोड़ा सा हम पानी शामिल करेंगे। अभी इनको हम इसी दम में पकाएंगे, आग को थोड़ा सा हल्का कर देंगे इसी पानी में। अब ये आलू हमारे भी गल जाएंगे और अब इसको हम इसी दम में पकाएंगे, आग जो है उसको थोड़ा सा हम हल्का कर देंगे। आलू हमारे गल चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए सालन जो है वो बड़ा ही मज़ेदार तैयार हो गया। अभी लास्ट में हम सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सालन हमारा बिल्कुल तैयार हो गया। अभी हम हंडिया को नीचे उतारेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आलू और मोंगरे का सालन हमारा बिल्कुल तैयार है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।